हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी विच इज़ इंटरप्रेटिंग टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स ऑन अर्थ। अलग अलग तरह के फीचर्स हैं अर्थ के ऊपर, कुछ हैं नेचुरल, कुछ हैं मैन मेड। नेचुरल जैसे कि माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, लेक्स, रिवर्स हो गए, ठीक है। और दूसरी तरफ जो रोड्स होगी, रेलवेज होगी, जिन्होंने इंसानों ने जिस चीज़ों को बनाया वो है मैन मेड फीचर्स। देन ए टोपोग्राफिकल मैप इज़ अ लार्ज स्केल मैप विच शोज एक्सप्लिट डिटेल्स ऑफ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स ओवर अ स्मॉल एरिया। किसी भी स्मॉल एरिया के ऊपर कितने जितने फीचर्स हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, उसकी पूरी डिटेल जिस मैप के जरिए दी जाती है वो होते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स, ठीक है। किसके ज़रिए दी जाती हैं? विद द हेल्प ऑफ स्केल्स, कन्वेंशनल सिंबल्स, सिंबल्स के जरिए और फिक्स्ड कलर स्कीम्स के जरिए, ठीक है। देन ए ऑल्दो ए टोपोग्राफिकल मैप डिस्प्लेज ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स सच एज वेजिटेशन, वाटर बॉडीज, कल्टीवेटेड लैंड, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, सेटलमेंट्स एक्सेट्रा। सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है एक मैप के ऊपर, जैसे जंगल एरिया हो गया, पानी, वाटर बॉडीज, कल्टीवेटेड लैंड्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन होगी, सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है। इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू सर्वे टेरेन फीचर्स एंड देयरफॉर आल्सो नोन एज सर्वे मैप्स। इनको किसी भी रिलीफ फीचर्स को, मतलब जो रिलीफ एरिया है, लैंड एरिया है, उसको सर्वे करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इनको सर्वे मैप भी हम कहते हैं, ठीक है। देन आता है कि जो अलग अलग मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से इन फीचर्स को हम समझ सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन से मेथड हैं? हैचियोर्स, लेयर टिल्टिंग, हिल शेडिंग, स्पॉट हाइट्स एंड कॉन्टवर्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं टॉपोग्राफिकल मैप में कॉन्टवर्स एंड स्पॉट हाइट्स। देन आता है कि इंटरप्रेटिंग कॉन्टवर्स। कॉन्टवर्स को हम कैसे समझेंगे? कॉन्टवर इज़ अ लाइन ऑन अ मैप दैट कनेक्ट्स पॉइंट्स विद द सेम हाइट अबव और बिलो द सी लेवल एंड इज मेजर्ड इन मीटर्स और फीट। जो अलग अलग जगह है, जैसे एक मैप है, अलग अलग जगह है उसके ऊपर, ठीक है, उन जगह की जो हाइट्स हैं, जो सेम हाइट वाली जगह हैं, उनको हम कॉन्टोर्स के ज़रिए पता लगा सकते हैं, ठीक है। टोपोग्राफिकल मैप यूज कॉन्टोर लाइंस टू शो द एलिवेशन ऑफ अ टेरेन, किसी लैंड की हाइट को दर्शाने के लिए, ठीक है, उसके नेचर को दर्शाने के लिए, क्या वो जेंटल है, सीधा है या फिर खड़ी चट्टान है। उसके बाद उसकी शेप कैसी है, वो हम किसके ज़रिए पता लगा सकते हैं? कॉन्टवर के ज़रिए, ठीक है। दो आता है, अब इसके सम फीचर्स हम देख लेते हैं। टू कॉन्टवर लाइंस रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एलिवेशन में कन्वर्ज एंड टच बट दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब दो कॉन्टवर लाइंस हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिवेशन को दर्शा रही हैं, तो वो एक दूसरे से टच कर सकती हैं या अलग अलग जगह से आके एक दूसरे से मिल सकती हैं, पर वो एक दूसरे को काट नहीं सकती, पहला फीचर। देन व्हेन कॉन्टूर लाइंस कन्वर्ज अदर दे रिप्रेजेंट रीजन हैविंग अ नियर वर्टिकल स्लोप लाइक अ वाटरफॉल और अ क्लिफ। जब दो कॉन्टूर लाइंस आपस में मिलती हैं तो एक ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं जैसे कि वाटरफॉल, ठीक है। देन contours that are closely spaced indicate steep slopes while contours that are spaced apart indicate a gentle slope। जो contours बहुत close होते हैं वो steep slopes को दर्शाते हैं, जो contours में थोड़ा सा gap होता है वो gentle slope को दर्शाते हैं। contours are not made to pass through permanent structure like building। contours को permanent structure जैसे buildings हैं उनको हम उससे represent नहीं कर सकते। then आता है identifying लैंडफॉर्म्स थ्रू कॉन्टवर्स। अब कॉन्टवर्स को, जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं उसको हम कॉन्टवर्स के जरिए कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप्स के बारे में। जेंटल स्लोप हैज़ अ लो स्लोप एंगल एंड इज करेक्टरिस्टिक्स बाई कॉन्टवर लाइन स्प्रेड वाइडली अपार्ट। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो जेंटल स्लोप होता है उसको जो कॉन्टवर लाइन्स होती हैं वो वाइडली अपार्ट होती हैं, अलग अलग, ठीक है। और जो स्टीप स्लोप्स होती हैं उसकी थोड़ी क्लोज होती हैं, क्लोज स्पेस्ड होती हैं, ठीक है। तो जो अब इधर हम देखते हैं जेंटल स्लोप, ये जेंटल स्लोप है, इसका लो एंगल है, ठीक है, और ये सीधी चट्टान है, और ये है स्टीप स्लोप, खड़ी चट्टान थोड़ी ऊपर को सीधा, ठीक है, ये सीधी और ये ऊपर को सीधी,
ठीक है, तो ये फ़र्क है जेंटल और स्टीप स्लोप में। तो अब अगर हम हिल को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? हिल इज़ अ रेज्ड पार्ट ऑफ लैंड विद यूनिफॉर्म स्लोपिंग साइड्स। यूनिफॉर्म स्लोपिंग साइड मतलब जिसकी दोनों साइड सेम है, लगभग सेम है, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इररेगुलर फॉर्म ऑफ सर्कल्स की यूज़ पड़ती है। मतलब जैसे ये है, ये इस ऐसे इन ये कॉन्टूर्स हैं, मतलब अलग अलग कि जो सर्कल में कॉन्टर्स होते हैं उनकी जो क्या कहते हैं उसको, साइज और शेप होता है वो इररेगुलर होता है, ठीक है, नियमित नहीं होता। देन आता है रिज। रिज को कैसे, रिज इज़ अ फिजिकल फीचर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ टू माउंटेन फेसेस। दो माउंटेन के मिलने से बनती है, कन्वर्ज होने से बनती है। इट हैज़ अ रेज्ड क्रेस्ट विद मैनी पीक्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स। एज इट हैज़ स्टीप स्लोपिंग साइड्स, इट्स कॉन्टोर लाइंस एंड क्लोजली स्पेस्ड एंड आर ओवल इन शेप। तो जो ये जो रिज है ये एक तरह से दो चट्टानों के मिलने से बनता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो है एक तरह से इनके जो कॉन्टोर लाइंस हैं वो बिल्कुल साथ में जुड़े हुए होंगे, मतलब बहुत कम स्पेस होगा उनमें, ठीक है, इस तरीके से हम इसको पहचानेंगे। देन आता है प्लेट्यू। प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड यूजुअली विद स्टीप साइड्स। द कॉन्टोर लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ प्लेट्यू आर क्लोज स्पेस एट द साइड्स विद अ लार्ज गैप इन द सेंटर। अब जब हम प्लेट्यू को करेंगे तो क्या होगा कि इसकी जो साइड्स हैं वो खड़ी होंगी, खड़ी चट्टान की तरह स्टीप साइड्स होंगी, ठीक है। तो अब जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा कि आसपास से एक तरह से रेक्टेंगल शेप और बीच में लार्ज गैप होगा जब इसकी एक इसको कॉन्टोर लाइन के जरिए हम दर्शाएंगे। देन आता है सैडल। अ सैडल इज़ द डिप्रेस्ड लैंड मास दैट स्लोप बिटवीन टू पीक्स ऑफ अ हिल और माउंटेन। किसी भी दो हिल और माउंटेन के बीच का जो एरिया होता है वो होता है सैडल, ठीक है। जब कॉन्टोर्स फॉर द पीक्स आर कंसेंट्रिक सर्कल विद अ लार्ज गैप बिटवीन द पीक्स आउटर मोस्ट, जो इनके जो कॉन्टोर्स होंगे उसके बीच में लार्ज गैप होगा। देन आता है पास। अ पास इज द हाइएस्ट पास बिटवीन माउंटेन और हिल, इट इज शोन बाय ड्रॉप इन द कॉन्टोर हाइट्स। क्या होता है कि जो पास होता है वो एक तरह से एक पाथ होता है दो माउंटेन्स के, माउंटेन्स और हिल के बिटवीन, ठीक है। इसको शो करेंगे तो क्या होगा कि एक गैप शो होगा और बीच में ड्रॉप साइड शो की जाएगी, ठीक है। देन आता है सेटलमेंट। अ सेटलमेंट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ हाउसेस दैट पीपल बिल्ड फॉर लिविंग। सेटलमेंट्स कैन बी इन रूरल और अर्बन। द लोकेशन वेयर सेटलमेंट इज कंस्ट्रक्टेड इज कॉल्ड सेटलमेंट साइट। सेटलमेंट्स पता है कि जहाँ पे बहुत सारे घर मौजूद हों, ठीक है, ग्रुप ऑफ हाउसेस पीपल लोग रह रहे हों, वो एक तरह से सेटलमेंट एरिया हो गया, और जहाँ पे ये सेटलमेंट मौजूद है वो होती है सेटलमेंट साइट। सेटलमेंट साइट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है। टेम्परेरी सेटलमेंट की जैसे हट्स हो गए, टेंट्स हो गए, कि जब लोग किसी पिकनिक वगैरह पे जाते तो हट स्टेंट लगाता है, वो टेम्परेरी सेटलमेंट हो गए, ठीक है। और जब परमानेंट सेटलमेंट, जैसे किसी जगह पे लोग परमानेंट वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो हो गए परमानेंट सेटलमेंट। सच सेटलमेंट स्टार्टेड व्हेन ह्यूमन बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स, फर्टाइल लैंड्स एंड वाटर सोर्सेज, अट्रैक्ट पीपल टू बिल्ड देयर होम्स नियर देम। जब ये टेम्परेरी सेटलमेंट्स थी, ये कब एमर्ज हुई, जब लोगों ने क्रॉप्स को उगाना शुरू किया, फर्टाइल लैंड्स की जगह पे लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। देन टेम्परेरी सेटलमेंट्स कैन बी सीन नियर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और रिफ्यूजी कैंप्स। हम जब कहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पे देख सकते हैं जो लोग होते हैं बनाने वाले, वो वहीं पे रहते हैं। देन टेम्परेरी सेटलमेंट्स में इवेंचुअली बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट करेक्टरिस्टिक बाय परमानेंट स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग्स एंड बंगलोज। वही जैसे हमारे घर हो गए वो हो गए परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो अब थ्री टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर देयर, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट्स एंड लीनियर सेटलमेंट्स। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स क्या होते हैं? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स होते हैं जैसे कि बहुत करीब करीब घर हो, जैसे विलेजेस में होता है बहुत करीब करीब घर होते हैं, जैसे ये देखो स्ट्रक्चर बना है, बहुत करीब करीब घर होते हैं, तो वो होते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। डिस्पर्स सेटलमेंट्स होते हैं कि जब लोगों ने अलग अलग जगह पे बहुत दूर दूर घर बनाए हुए हैं, जैसे कई लोग होते हैं जो अपने खेतों के साथ में घर बना लेते हैं, तो वो होते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट्स, मतलब विलेजेस से अलग घर बना लेते हैं, तो वो होता है डिस्पर्स सेटलमेंट्स। देन आता है लीनियर सेटलमेंट्स, जैसे रेलवे लाइन के पास बना ली, रिवर्स के पास बना ली, तो वो होते हैं लीनियर सेटलमेंट्स। की फर्टाइल लैंड के पास बनी हुई है तो वो होते हैं लीनियर सेटलमेंट्स।
सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे.